पार करने से नदी पार नहीं होती। आप कभी गंगा के पुल से गुजर जाते हैं और घर आके बताते हैं और मैं गंगा पार चला गया, मैंने गंगा पार कर ली। तुमने पुल पार किया है, तुमने पुल पार किया है, अभी नदी में तो उतरे नहीं हो। नदी में उतर के तो देखो तब समझ में आएगा गंगा क्या थी। तो आप जो सब बैठे हैं, जो अभी अभी MBBS करके थोड़ा इंटर्नशिप में थोड़ा बहुत नदी के किनारे उतरे हैं, उस गीली रेत में चले हैं थोड़ा, बाकी आप अपना पुल पर से ही, जब मेडिकल स्टूडेंट होते हैं पुल पर से गंगा को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, हाँ ये गंगा है, ऐसा होता है, ये सिंड्रोम होता है, ये रिलेशंस होते हैं और ऐसा दिया जाता है, ये सब आपने केवल पुल पे खड़े होके गंगा को समझने की कोशिश की है। इसके आगे जब आप अभी आप मान लो इंटर्नशिप की है तो मैं मानूंगा कि आप थोड़ा गीली रेत में, बस इंटर्नशिप में बंक बहुत मारते हैं जाते नहीं है, तो शायद रेत में ही उतरे कि नहीं मुझे पता नहीं कुछ अगर रेत में उतरे हो आप, तो आपने उस रेत को महसूस किया होगा जब आपके पांव धंसते हैं गीली जमीन में जाके और आप फिर किनारे आते हैं। अब आप जब हाउस सर्जन बनेंगे और जब आप कुछ और करेंगे, PG जहां भी करेंगे, वो समय है नदी को समझने का। एक नदी और पुल में बहुत फर्क है। जब नदी में उतरते हैं आप, किनारे उतरते हैं, जब टखने तक पानी आता है, फिर जब आपके घुटने तक पानी आता है, फिर जब कमर तक पानी आता है, और जब आपके पैरों की नीचे की रेत खिसकने लगती है, जब आपको डर लगने लगता है, जब आपको चुनौती लगती है कि अगला कदम रखूं कि ना रखूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बह जाऊंगा, कहीं बहुत गहरा तो नहीं कि अगला स्टेप रखूं और यहां तक चला जाऊं, ये जो अनुभव है, ना उतरूं, हो सकता ना भी मेरे को उतना गहरा पानी मिले, पर वो जो अनुभव है वही आपका जीवन है, वही आपको डॉक्टर बनाता है। अगर आप उस अनुभव से नहीं गुजर पाते, और जीवन में बहुत सारे, हम डॉक्टर की बात नहीं कर रहे, हम जीवन में प्रायः बहुत सारे चीजों, हम समझते हैं हम मोहब्बत करते हैं, वो लड़की हमें बहुत पसंद है, आप पुल पे खड़े हो एक्चुअली, आप समझते ही नहीं मोहब्बत क्या है। आपने मोहब्बत बिना समझे भी कई लोग पूरा जीवन गुजार देते हैं, आपको उनसे सहानुभूति के अलावा कुछ नहीं लगता कि इन्होंने कभी जीवन में मोहब्बत समझी नहीं और मोहब्बत करने का दावा करते हैं। हर चीज आपने डॉक्टरी समझी नहीं, आप डॉक्टरी समझने का दावा करते हैं। आप टीचर बने और टीचिंग आपको आती नहीं, आप बच्चे के लिए मन में महसूस नहीं करते, उस बच्चे जैसा महसूस नहीं करते और आप टीचर बनने का दावा करते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो अपना पूरा जीवन पुल पर गुजार देते हैं, वो कभी सोचते ही नहीं और समझते हैं कि हमने तो नदी को समझ लिया, हमने तो गंगा को समझ लिया। आप कृपया गंगा में उतरिएगा, आप बीच में जाइएगा और आप देखिएगा कि जीवन कितना अद्भुत है। जीवन बहुत अद्भुत है, जीवन सारे कष्टों के बावजूद बहुत अद्भुत है, जीवन सारी असफलताओं के बावजूद बहुत अद्भुत है, जीवन सारी चुनौतियों के बाद, बार बार हारने के बावजूद, कभी भी शायद आपको ना मिले सफलता, उसके बावजूद जीवन बहुत अच्छा है, जीवन बहुत सुंदर है। मैक्सिम गोर्की एक बहुत बड़े